तो रेसलिंग पीडिया फैमिली WWE का नेक्स्ट इवेंट है रेसलमेनिया बैकलैश, जिसके लिए WWE ने अभी तक एक भी मैच कंफर्म नहीं किया है। वैसे रेसलमेनिया बैकलैश का एक मैच तो आप सबको पता ही है, लेकिन कॉडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के अलावा अगले महीने रेसलमेनिया बैकलैश में आपको और कौन कौन से मैचेस देखने मिल सकते हैं, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो रेसलमेनिया 39 में अपने पापा से बुरी तरह से मार खाने के बाद भी डोमिनिक मिस्टीरियो और जजमेंट डे का फ्यूड रे मिस्टीरियो के साथ अभी भी चल रहा है, और जिस तरह से डेमियन प्रीस्ट ने रेसलमेनिया बैकलैश के होस्ट बैड बनी पर अटैक किया था, तो उससे यही लग रहा है कि रेसलमेनिया बैकलैश में रे मिस्टीरियो टीम अप कर सकते हैं बैड बनी और सैंटोस एस्कोबार के साथ, और जजमेंट डे की टीम के मेंबर्स डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की टीम को सिक्स मैन टैग टीम मैच में फेस कर सकते हैं। तो क्योंकि रेसलमेनिया 39 में ड्रू मैकइंटायर इंजर्ड हो गए और शायद से वो रेसलमेनिया बैकलैश में कम्पीट नहीं कर पाए, इसलिए रेसलमेनिया बैकलैश में गंथर के अपोनेंट ब्रॉलिंग ब्रूट्स के लीडर शेमस हो सकते हैं। लेकिन अगर ड्रू मैकइंटायर की इंजरी उतनी ज्यादा सीरियस नहीं हुई, तब मुझे लगता है कि रेसलमेनिया बैकलैश में गंथर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप WWE फैंस को देखने मिल सकता है। वैसे जब से लाइव ऑडियंस रिटर्न आए, तब से स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर लाइव फैंस के सामने एक बार कोई भी WWE टाइटल जीतना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ड्रू मैकइंटायर का ये सपना कब पूरा होता है। तो जैसा आपने इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में देखा होगा कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद ट्रिश स्ट्रैटस हील टर्न हो गई और उन्होंने बेकी लिंच पे अटैक कर दिया। और वैसे रूमर्स तो ये हैं कि इस साल समर स्लैम में WWE हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस का सिंगल्स मैच होगा द मैन बेकी लिंच के साथ, लेकिन WWE ये मैच रेसलमेनिया बैकलैश में भी कर सकते हैं। और जब बात वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप की हो ही गई है, तो रेसलमेनिया बैकलैश में नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियन लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगस को रोंडा रोजी और शाइना बेजलर की टीम चैलेंज करके फेस कर सकती है। वैसे अगर रोंडा रोजी और शाइना बेजलर का मैच नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस के साथ हुआ, तो ज्यादा चांसेस है कि रोंडा और शाइना बेजलर जीतकर वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन जाएंगी। तो इन सब मैचेस में अभी तक सिर्फ एक ही मैच है जो रेसलमेनिया बैकलैश के लिए कंफर्म है, और वो मैच है द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और अगर देखा जाए तो इस मैच में स्टोरी वाइज कॉडी रोड्स को जीतना चाहिए, क्योंकि इस साल समर स्लैम में WWE एक बार फिर से कॉडी वर्सेस रोमन रेंज करवाना चाहते हैं, पर जिस हिसाब से ब्रॉक गुस्सा है कॉडी रोड्स के ऊपर, ब्रॉक लेसनर शायद इस मैच में डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। और रेसलमेनिया बैकलैश के लिए ये न्यूज है कि इस इवेंट में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज फाइट नहीं करेंगे। वैसे आप लोग इस साल रेसलमेनिया बैकलैश में कौन सा मैच देखना चाहोगे, कॉमेंट करिए, सबसे शेयर करें, और मैं आपसे जल्द मिलता हूँ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।